हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि वेदांत शेयर जो कि लगातार गिर जा रहा है फ्रेंड्स, क्या हम उसमें निवेश करेंगे या नहीं करेंगे, उसका मैं आपको आंसर एंड में बताऊंगा। पहले हम लोग इसका कुछ न्यूज है और कुछ फाइनेंशियल्स को देखते हैं फ्रेंड्स। और दूसरी बात है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरी बात आप मेरे चैनल मेरे वीडियोस जो भी देखे उसको प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि मैं बहुत हार्ड वर्क करके ये वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा एंकरेजमेंट मिलता है फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, पहले फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे, और फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे प्राइस पर, और फिर वेदांता को एक्सपेंशन प्लान्स है फ्रेंड्स, जो कि $8 बिलियन वो इन्वेस्ट करने वाला है नेक्स्ट 3 इयर्स में। और अभी स्टोरी ऑफ तमिलनाडु कॉपर प्लांट है कि उनका वेदांता का एक प्लांट है वो शट डाउन हुआ है तमिलनाडु में कॉपर प्लांट, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और हम लोग ग्लोबल ट्रेड वॉर के बारे में भी देखेंगे, उसके वजह से क्यों वेदांता का शेयर टूट रहा है। वेदांता जो कि अनिल अग्रवाल है इनके प्रमोटर, वो क्या है कि मेनली वो क्या कि वो जिंक, लेड, ऑयल एंड गैस, स्टील, आयरन ओर ये सब प्रोडक्शन करता है, और वो मेनली मेटल सेगमेंट में प्रोडक्शन करता है वेदांता शेयर। ये मैंने आपको 5 ईयर चार्ट दिखाया है वेदांता का। चलो फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। पहले कंपनी का रिजर्व्स देखिए, यहां पर 2014 में 33,382 करोड़ से अभी 78,941, सो ऑलमोस्ट ऑल डबल हो गया है उनका बुक वैल्यू का शेयर। और फिर यहाँ आपका टोटल नॉन करंट लायबिलिटीज भी देखिए, 2014 में 20,929 करोड़ लायबिलिटी है, लेकिन अभी इनका लायबिलिटी सिर्फ 18,211 करोड़, मींस ऑलरेडी अपना डेप्थ को कम कर रहा है कंपनी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी कम हुए हैं फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो 20,534 करोड़ से अभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 14,810 करोड़ तक आ गया है। अच्छा है बैलेंस शीट, क्योंकि रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हम लोग को देखते हैं, रेवेन्यू बढ़ा है फ्रेंड्स। 2016 में इसका रेवेन्यू था 35,689 करोर्स, अभी इसका रेवेन्यू है 45,046 करोर्स, और एक्सपेंसेस भी देखते हैं फ्रेंड्स, और एक्सपेंसेस चाहिए हमको। देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रॉफिट्स देखिए, अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल कॉस्ट देखिए फ्रेंड्स, जो क्या 3,600 करोड़ था फाइनेंशियल कॉस्ट, अभी 3,900 करोड़, जबकि सेल्स अच्छी तरह से बढ़ा है लेकिन फाइनेंशियल कॉस्ट स्टेबल रहा है, वो अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अनइवन है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ देखिए 11,000 करोड़ नुकसान, फिर 11,000 करोड़ प्रॉफिट, अभी लगातार प्रॉफिट गिर रहा है फ्रेंड्स, ये बुरी साइन है कंपनी का। ये हम लोग 2 ईयर चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट ऑल शेयर डाउन मूवमेंट में चल रहा है, इसका 200 का पास सपोर्ट था वो भी ऑलमोस्ट ऑल ब्रेक हो चुका है। 5 ईयर चार्ट देखिए, 5 ईयर में 300 से शेयर आ गया 58 रुपीस पर, फिर दोबारा 300 तक गया, बहुत गिर गया शेयर, अभी 183 लेवल पर चल रहा है। टॉप चैलेंजेस है कि एक्चुअली इंडिया और चाइना, इंडिया नहीं
यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो रहा है, और जिसके कारण चाइना पर यूएसए ने ड्यूटी लगा दी है। इसके कारण वो क्या कर रहे हैं कि वो लोग हमारे इंडिया में जो भी उनके पास स्टील है वो डंप कर दे रहे हैं। इसके वजह से क्या होता है कि स्टील का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है और स्टील के प्राइसेस गिर गए हैं। अभी अनिल अग्रवाल ने बताया कि आप थोड़ा डंपिंग ड्यूटी लगाओ इनका चाइना कंपनीज पर, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएंगे हमारे कंपनीज को। और दूसरी बात, कंपनी का एक नेगेटिव न्यूज भी आया है, वो क्या कि उनका कॉपर प्लांट है जो कि तमिलनाडु में, वो उनको उसको बंद कर दिया है क्योंकि पोल्यूशन के कारण उस कॉपर प्लांट को भी बंद कर दिया है। लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दावा दिया है, वो उनका दावा है 8 जनवरी को, अगर वो वेदांता इस केस को जीतती है तो उनको अच्छा होगा, शेयर में बढ़ाव होगा। अगर वो गिर जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट नो कह देती है मत खोलो स्टील फैक्ट्री को, वो नुकसान है वेदांत कंपनी के। लेकिन एक स्टील फैक्ट्री से कुछ नहीं होता, वो बहुत ही अच्छी कंपनी है वेदांता। फ्यूचर प्लान्स देखिए, कंपनी $8 बिलियन नेक्स्ट 3 इयर्स में इन्वेस्ट करने वाली है। वो क्या कि कंपनी ने रिसेंटली इलेक्ट्रो स्टील का एक कंपनी को खरीदा है, उसका कैपेसिटी बढ़ाएगी 2.5 मिलियन टन्स। पहले उसका कैपेसिटी था 1.5 मिलियन टन से 2.5 मिलियन टन्स को, और वो ऑयल एंड गैस और फिर एल्यूमिनियम कॉपर उसमें भी उसका कैपेसिटी बढ़ाना चाहती है। करेक्ट, वो ऑयल प्रोडक्शन करती है 2 लाख बैरल, अभी उसको इंक्रीज करने वाली है कंपनी 5 लाख बैरल तक, और एल्यूमिनियम की कैपेसिटी इंक्रीज करने वाली है 3 मिलियन टन्स, जबकि पहले होता था 2 मिलियन टन्स। उन्होंने कंपनी ने कह दिया कि वो लोग तो उनके पास रिसोर्सेस है और वो लोग उतना कर्जा भी नहीं लेंगे। डिविडेंड हिस्ट्री देखें तो बहुत अच्छा डिविडेंड दिया है 2018 में, ऑलमोस्ट ऑल 38 रुपीज का डिविडेंड दिया है, जबकि ऑलमोस्ट ऑल 10% के नजदीक डिविडेंड मिला था सभी शेयर होल्डर्स को। प्रमोटर्स होल्डिंग देखिए तो 50% प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास 49% है, अदर्स के पास 0.24% है। टॉप शेयर होल्डर्स को देखिए तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के पास 3.66% है, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड उनके पास 2.32% है, एलआईसी के पास है 6.37%। अभी मैं बताऊंगा मेरी राय इस स्टॉक में, क्या आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरी राय में आपको इस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपको 100 लेवल मिले तब आप निवेश कर सकते हैं रिस्क के साथ, क्योंकि अगर आप 100 लेवल पर निवेश करोगे आपको कुछ ही सालों में 300 लेवल पे आएगा स्टॉक, क्योंकि फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। लेकिन अभी स्टील सेक्टर बहुत डाउन ट्रेंड में है, 2019 बहुत बुरा होने वाला है स्टील सेक्टर को, सो आप स्टील पर मत निवेश करिए। यही है मेरा ओपिनियन फ्रेंड्स। और दूसरी बात है, जो भी मैं बताता हूँ वो केवल एजुकेशन पर्पस के साथ ही बताता हूँ, और कुछ भी आप मेरा रिकमेंडेशन मत लीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को कंसल्ट करके फिर निवेश करें फ्रेंड्स। आशा है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए, और मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिले। थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो वॉच करने के लिए, बाय।